वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो जैसा कि सबको पता है बच्चों, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, आपके यहाँ भी स्टार्ट हो चुका होगा। जहाँ हो चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हुआ है या नहीं हुआ है, और आपके स्कूल में कौन सी मैथ्स की बुक चल रही है। तो फिलहाल में बच्चों अगर बात करूँ तो आपको कंपोजिट मैथमेटिक्स की क्लास 6 8th की अपलोड फुल हो चुकी बच्चों, क्लास 7th की अपलोड की जा रही है। और आज बच्चों क्लास 8th की हम बच्चों ये न्यू बुक आप देख रहे होंगे, मैथ्स टुडे ऑरियन की बुक है बच्चों, बहुत बेस्ट बुक है। मैंने इसको पूरा एक तरह से देख लिया है बुक को, बहुत अच्छी चीज़ एक्सप्लेन किया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का। तो मैं अच्छी कोशिश ये है कि इसका भी सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। तो जिन बच्चों जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लिंक जरूर शेयर करें बच्चों। तो लाइव क्लास का तो आपको टाइम पता है बच्चों, एवरी संडे है, 4 बजे का टाइम है, 4 से 4:15 के बीच का बच्चों। तो लाइव भी जुड़ने की कोशिश करें। तो आइए बच्चों, मैथ्स टुडे आपका देख रहे होंगे आप बुक बच्चों, ये मैथ्स टुडे है और ये क्लास 8th की है बच्चों, विश्व बुक्स की है ये, ओरियन की है कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें मेन जो चीज़ है बच्चों, क्या अच्छा लगा मुझे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट्स इन्होंने गिवन है ऊपर, कि एक क्विक टेस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ रिवीजन। ठीक, चैप्टर के रिवीजन के लिए इन्होंने क्विक टेस्ट दिया हुआ है, आप लोग अपने आप कर सकते हैं उसमें, प्रैक्टिस पेपर जिसको हम लोग कहते हैं। प्ले टाइम में फन एक्सरसाइज कुछ गिवन है बच्चों, एक्टिविटी में क्या गिवन है, टू अराउज इंटरेस्ट इन द कॉन्सेप्ट, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको गिवन जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा बच्चों। लैब एक्टिविटी आपको गिवन बच्चों, इंगेजिंग एक्टिविटीज विद स्ट्राइकिंग प्रेजेंटेशन बच्चों। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों, हर एक चैप्टर के बाद में आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चों इस बुक में, कि इसमें आपको MCQs के लिए अलग से एक्सरसाइज गिवन है। चैप्टर जब आप करेंगे, एक्सरसाइज जब आप करेंगे, तो एक्सरसाइज में आपको MCQs नहीं मिलेंगे, आपको MCQs अलग से मिलेंगे, अलग एक्सरसाइज गिवन है बच्चों। तो चलिए हम बच्चों चैप्टर फर्स्ट की बात करें। अगर मैं बात करूं बच्चों एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी और रिफ्रेशर दो बुक्स होती हैं आपको सबको पता है। तो एनसीईआरटी तो आप करते ही हैं, साथ में रिफ्रेशर जरूर करें, क्योंकि आप एक चीज़ करने से ये नहीं होता कि आप एकदम से वो हो जाएंगे। तो इसलिए मेन बात यही कि आप लगभग दो बुक अपनी अपने पास रखें, दो बुक करने की कोशिश करिए। आप एनसीईआरटी साथ में कर सकते हैं और आप कोई रिफ्रेशर भी कर सकते हैं। तो जितनी भी बुक मैं अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, लगभग रिफ्रेशर मान के करिए, जैसे कंपोजिट की करी है बच्चों, और ये मैथ्स टुडे की है, और कोशिश आरएस की भी है कि आरएस भी अपलोड की जाएगी। तो फिलहाल बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारी कंपोजिट में था, कंपोजिट मैथमेटिक्स में, वही चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रेशनल नंबर से। एनसीईआरटी में भी बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका रेशनल नंबर से। तो चलिए हम रेशनल नंबर्स की बच्चों बात करते हैं। बच्चों रेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, आपने सबने रेशनल नंबर्स बच्चों पढ़े होंगे। तो बच्चों रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, क्या होते रेशनल नंबर हैं, आपको सब आपको सबको पढ़ाया गया होगा बच्चों, जो भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होंगे वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। डेफिनेशन आप बना सकते हो, द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। जो भी फॉर्म पी अपॉन क्यू के रूप की होगी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म की होगी, वो सारे कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। कंडीशन है वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब इसका मीन्स क्या हो गया, कभी भी नीचे का नंबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बच्चों दे रहा हूँ, है ना। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जांपल देखिए, 1/2, 3/2, 4/5, 0/1। ध्यान दीजिए, बहुत पूछा जाता है जीरो रेशनल या इरेशनल, तो बच्चों जीरो के अपॉन में वन तो लिख सकते हैं ना, तो जीरो कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, हमेशा ध्यान रखना। ETC लगा दिया, पर एक चीज और ध्यान रखना, कभी नंबर के अपॉन में अगर जीरो आ जाए, ये देखिए ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, क्या ये भी रेशनल नंबर है, कहेंगे सर नहीं है। रीजन क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मैं बताना बात, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और यहां तो सब जीरो दिया, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। डेफिनेशन समझ में लगभग आपके आ गई होगी बच्चों। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों। प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब आप टू नंबर्स लेंगे, कैसे नंबर होने चाहिए, रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर जब आप लेंगे बच्चों, तो इनका सम भी हमेशा कैसा होगा बच्चों, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब कोई आप टू रेशनल नंबर लेंगे बच्चों, तो उनका सम हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यह होती बच्चों आपकी प्रॉपर्टी नंबर वन। क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर वन, एग्जाम्पल ले लें बच्चों, चले देख लीजिए आप भी एक बार, 1/2 और 2/4 बच्चों,
ये मैंने दो नंबर लिए हैं, टू नंबर हमने लिए हैं, रेशनल नंबर हैं दोनों। जब आप इनका सम करेंगे बच्चों, जब आप क्या करेंगे इनका सम करेंगे, तो ये भी कैसे होंगे, रेशनल नंबर होंगे। देखिए जरा कैसे करेंगे, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू कितना आ गया बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, वन प्लस वन अपॉन में टू, टू अपॉन टू, टू वन जा टू। अब वन तो सबको पता भाई रेशनल नंबर है, वन के अपॉन में वन लिख सकता हूँ। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, फाइव अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन फाइव, ये करके सॉल्व कर लीजिए, ये भी रेशनल नंबर होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो बात आपकी समझ में आ गई होगी, जब हम टू रेशनल नंबर का सम करेंगे तो आल्सो कैसा नंबर होगा, वो भी बच्चों रेशनल नंबर होगा। बात कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे बच्चों, और हम एडिशन में बात करें, एडिशन वाली करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, देखिए ये भी आप पढ़ते आए हैं, सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप पढ़ के आए हैं। जब टू रेशनल नंबर हम बच्चों लेंगे, ध्यान से समझते रहिए, मैं आपको फॉर्मूले टाइम में बता रहा हूं, जब हम टू रेशनल नंबर बच्चों लेंगे तो क्या ये दोनों आपस में इस तरीके से बराबर नहीं होंगे क्या, बताइए। मैं आपसे कहने लगूं बच्चों थ्री प्लस टू कितना होता है, फाइव होता है, कहेंगे सर बिल्कुल होता है। अब मैं इन्हीं नंबर को कुछ इस तरीके से लिख दूं, क्या अब ये सिक्स होगा क्या, अरे होगा तो अब भी है फाइव, जब ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी है बच्चों, तो क्या सी अपॉन डी अपॉन बी बिल्कुल सेम इक्वल नहीं होंगे क्या। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, आपसे एमसीक्यू, आपसे ट्रू फॉल्स, आपसे फ्लफ में कहीं भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री लिख लीजिए चलिए, और वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन टू लिख लीजिए। मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ, थ्री प्लस टू अपॉन में सिक्स, थ्री आइए जरा टू वन जा टू और थ्री वन जा थ्री अपॉन में सिक्स, तो थ्री और टू कितना बच्चों फाइव बाई सिक्स, और फाइव बाई सिक्स कैसे भी कर लीजिए आएगा कितना फाइव बाई सिक्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। साथ के साथ आप लोग अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा इस तरीके से। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार बताना बच्चों, जितनी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सब एडिशन की पढ़ेंगे, तो एडिशन की हम फिलहाल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये समझने की कोशिश करिएगा। आइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखिए ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, समझ में रहिए, आपकी थ्री रेशनल नंबर होंगे बच्चों, थ्री रेशनल नंबर होंगे हमारे, आपकी बार कितने होंगे, थ्री रेशनल नंबर होंगे। अब हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, देखिए यही तो होगा भाई। पहले हमने इन दोनों को भाई बाद के दोनों को ले लिया ब्रैकेट में, फिर हमने शुरू किया। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बच्चों आप, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर इक्वल्स टू इक्वल्स टू, अब ए अपॉन बी यानी वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर। अब आप इनको सॉल्व करेंगे अपने आप, मैंने आपको लिख के दे दिया, चलिए मैं ही कर देता हूँ। अच्छा वन बाई टू एलसीएम लीजिए, फोर वन जा फोर, थ्री वन जा थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, इधर आइए थ्री वन जा, मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सिक्स प्लस में वन बाई फोर, आइए जरा वन बाई टू एलसीएम दोनों का कितना आएगा बच्चों, सबको पता होना चाहिए भाई, ट्वेल्व आ गया तो सिक्स हो जाएगा, और थ्री और फोर सेवन हो जाएगा, यहाँ से ये कितना एलसीएम आएगा बच्चों, बच्चों कितना एलसीएम आएगा दोनों का, ट्वेल्व आएगा जी, ट्वेल्व आएगा, थ्री और टू कितना होगा फाइव, और सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो फाइव टू जा कितना आएगा टेन, और फोर थ्री यानी थ्री, और सिक्स और सेवन कितना होता है बच्चों थर्टीन अपॉन में ट्वेल्व, इधर भी कितना बच्चों थर्टीन अपॉन में कितना, देखिए दोनों सेम आ गए। ये कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एडिशन की बच्चों हमने बात करी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये होता है बच्चों, हम किसी भी नंबर में जब कुछ ऐड करें वही नंबर सेम आ जाए, समझने की कोशिश करिए बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जब मैं किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करूँ तो वो नंबर दोबारा से मेरे पास आए, तो मैं थ्री अपॉन टू में जब जीरो ऐड करूंगा तो मेरा बच्चों फिर से थ्री अपॉन टू आएगा, मीन्स जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी नंबर कह सकते हो आप, बात आ गई होगी आपकी समझ में सबको, चलिए ठीक। जीरो अब आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी और फिलअप में भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको नोट करके नोट कर लेंगे, नोट है ना, एनओटी नोट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एडिटिव यूनिवर्स की एक्सप्लेन चल रहा है बच्चों, एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन शुरुआत, एडिटिव यूनिवर्स आपको मैंने शुरुआत से बच्चों करते आए, आप सब जो भी बच्चे देख रहे हैं
कि इनवर्स में आपको ये बताया गया बच्चों 3/2 का जब आपसे इनवर्स पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर माइनस का 3/2 हो जाएगा। मीन्स अगर मैं बात करूं ए का पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर माइनस का ए हो जाएगा, बी का पूछेंगे तो कहेंगे सर माइनस का बी। ये इसे कहते हैं बच्चों एडिटिव इनवर्स। हमने एडिशन में करी है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि देखिए क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गई, और आपकी कौन सी हो गई बताइए, क्लोजर, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन में जब आप मान लीजिए करेंगे भाई, आप मानिए a माइनस b बनाएंगे, b माइनस a, तो दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। मान लीजिए 3-2 करेंगे और 2-3 करेंगे, देखिए इधर 1 आएगा, इधर कितना माइनस का 1 आएगा, तो ये आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। बच्चों अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में, देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज में क्या। नंबर 1 एक्सरसाइज है 1.1। फिर से एक बात बता दूं बच्चों, न्यू बुक चल रही है, आप सब बुक देख रहे होंगे, मैथ्स टुडे है, ओरियन वालों की बुक है बच्चों, बहुत बेस्ट बुक लगी मुझे देखने पे, बहुत अच्छा लगा, हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स बच्चों मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है क्या होता है, ए पार्ट में आइए जरा 43। अब एडिटिव इनवर्स मैंने आपको इससे पहले बताया बच्चों, क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, 43/9 का, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, आंसर ये हो गया आपका। कितना इजी है बच्चों क्वेश्चन, कितना इजी बच्चों। और देखिए यहाँ ये जरा सेकंड पार्ट, हम बी वाले का आंसर देखते हैं, बी वाले का ये है ना, माइनस का 7 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, माइनस का 7/5। इसका कितना आएगा बच्चों, प्लस का 6/5 हो जाएगा। इसका कितना होगा बच्चों, माइनस का 1/7 हो जाएगा। और इसका देखिए प्लस है तो माइनस कितना होगा बच्चों, माइनस का 3/8। अब ऐसे मत कर देना डायरेक्ट मेरी तरह, जैसे हमने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/8 इक्वल टू -3/8, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/5 इक्वल टू -7/5, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 इक्वल्स टू 6/5, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल्स टू -1/7। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हम सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों, देखते हैं गिवन क्या है। चलिए बच्चों अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। बच्चों देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -2/7 का कितना होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करेगा तो a का कितना हो जाएगा बच्चों 1/a। अब c/d का कितना होगा बच्चों d/c। और आपसे कोई कहने लगा बच्चों 3/2 का बताइए, तो आप कहेंगे सर 2/3 हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, यानी कि डिनोमिनेटर तो न्यूमिरेटर में चेंज होगा, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा, आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए हम आगे करते बच्चों इसको, माइनस का 1/5 लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ से आप लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, कितना होगा बच्चों 5/-1, इस तरीके से लिख सकते हैं। लैंग्वेज लिखेंगे कितना होगा बच्चों 11/6 होगा। इसका देखिए यहाँ सॉल्व कर देंगे, 7 - -7/9, तो इनवर्स कितना होगा बच्चों 9/-7। यहाँ आइए जरा 3/5 कितना होगा 15, 2/4 कितना होगा बच्चों 8, तो 1/5 × 4 कितना होगा बच्चों 1/20। अरे भाई सही से लिख जाओ 1/20, तो कितना होगा बच्चों 20/1 हो जाएगा, एडिटिंग है ना। अब बुक वाले ने आंसर क्या दिया वो आप लोग दे, उसने क्या करा होगा, या तो 1 लगाया नहीं होगा या लगा रखा होगा, आप लोग वो चेक कर लेंगे। आइए माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, कितना आएगा -4 × 4 और 7 बच्चों, तो कितना आ गया एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों 7/-4, आंसर चेक कर लेंगे सब बच्चे। चलिए बच्चों देखिए ये फर्स्ट वाला अच्छा रह गया, तो फर्स्ट वाला देखेंगे जब माइनस का 2/7 था तो कितना आएगा बच्चों -7/2। अब आपको एक चीज और बच्चों ध्यान रखनी है, देखिए माइनस के साइन की अगर मैं बात करूं बच्चों, माइनस आप ऊपर लगाइए या बीच में लगाइए वो कोई डिपेंड नहीं करता। जैसे देखिए -7 था तो मैंने -7 नीचे लगा दिया, अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसको, और क्या कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं -9/7 कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता, और क्या लिख सकते हैं इसको -4/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, और मैंने अभी आपको बताया
फाइव लिख सकते हैं। अभी आपको बता रहा था ना मैं, वन लगाइए मत लगाइए वो आपके ऊपर डिपेंड, आप इस तरीके से भी इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, देखेंगे वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाई है एल एच एस। आइए बच्चों मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ, ए पार्ट आइए। एल एच एस में क्या गिवन बच्चों, यहाँ देखेंगे माइनस का और माइनस है, माइनस का साइन लगाइए। अब देखिए माइनस का साइन एक पहले से है और एक माइनस का साइन बच्चों ये हो गया, ध्यान दीजिएगा मैं आपको ये इस तरीके से लगा दे रहा हूँ ये वाला ब्रैकेट। चलिए देखिए आपको पता नहीं, माइनस माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस का, यानी कितना आएगा बच्चों माइनस का, आर एच एस में लिखिए बच्चों कितना, आर एच एस में एक्स है, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, वहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का फाइव अपॉन नाइन। तो क्या लिखेंगे, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस बच्चों, हैंस वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाई लिख दीजिए बच्चों। बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में क्या गिवन बच्चों, बी पार्ट देख लीजिए सब बच्चे, बी में देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, सबसे पहले एल एच एस कितनी बच्चों, माइनस माइनस का एक्स, माइनस का साइन माइनस का सेवन अपॉन ट्वेल्व। अब देखिए माइनस तो है ही नहीं है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का सेवन अपॉन ट्वेल्व हो जाएगा। अब आर एच एस ले लीजिए, आर एच एस कितना, ये देखिए ये आर एच एस आपका, आर एच एस कितना है, एक्स है सेवन अपॉन ट्वेल्व, आंसर क्या हो गया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अब आंसर मत ढूंढने लगना कहीं आंसर शीट में, आंसर देखो बच्चों वेरीफाई का क्वेश्चन है तो इसलिए आंसर नहीं मिलेगा, हैंस वेरीफाई। आइए सी पार्ट पे आ जाइए भैया, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए माइनस से माइनस कैंसिल करके नंबर बना दिया हमने, नाइन अपॉन इलेवन। एल एच एस लिखेंगे कितनी है, माइनस माइनस का एक्स, माइनस का नाइन अपॉन इलेवन, मल्टीप्लाई कर दीजिए नाइन अपॉन इलेवन। आर एच एस लिखे बच्चों कितनी है, एक्स है, एक्स की वैल्यू नाइन अपॉन इलेवन। तो एल एच एस इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा आपका, आर एच एस हो गया, हैंस वेरीफाई। तीनों क्वेश्चन तीनों पार्ट हो गए बच्चों, आपको मेरी तरह नहीं करने, नीचे नहीं करते चलना है ना, फर्स्ट पार्ट नीचे फिर बी पार्ट फिर सी पार्ट है ना। चलिए क्वेश्चन बहुत ईजी था, एल एच एस देखनी आर एच एस देखनी, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते बच्चों क्या की, क्वेश्चन नंबर फोर आप देख रहे होंगे मैंने सब लगा दिया बच्चों, क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है इज वन अपॉन सेवन द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 21 अपॉन 3। बच्चों आइए जरा 21 नंबर क्या था, 1 अपॉन 7, कह रहा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका, 21 अपॉन किसका, 3 का। बिल्कुल जी 3 को 7 से डिवाइड कर सकते, क्या आ गया 7। अब 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होगा, 1 अपॉन 7 होगा, बिल्कुल सही बात है। वाई और वाई नॉट अगर है तो क्यों, और नहीं तो आपको पता चल गया, मैंने सॉल्व भी कर दिया बच्चों। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिख देंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इक्वल्स टू कितना होगा, 1 अपॉन 7 होगा। क्वेश्चन नंबर फोर था बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव भी आइए हम चलिए अलग करते हैं, क्वेश्चन साथ के साथ देख रहे होंगे। इज माइनस 5 अपॉन 4 एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 होल 1/4, क्या कहा बच्चों ध्यान से देखिए, माइनस 5 अपॉन 4 जो है एडिटिव इनवर्स है किसका, देखिए मैं नंबर इसको लिख देता हूँ, 1 होल 1/4 की भी ना बच्चों, इसका मीन्स 4 1 जा 4 और 1 5 अपॉन 4 हो गया, क्या हो गया 5 अपॉन 4। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 4 इक्वल टू कितना होगा भाई, यही तो होगा ना, अरे प्लस के नंबर को कैसा कर देता है वो माइनस का कर देगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स बच्चों, मल्टीप्लाई 3 अपॉन 25 बाई रेसिप्रोकल ऑफ 9 अपॉन 15। बच्चों सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल हम फाइंड कर लेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, 9 अपॉन 15 का क्या होगा, सबको मैंने बताया 15 अपॉन 9। देखिए एक तो होता है इनवर्स है ना, हमने जैसा भी कहा बच्चों क्या निकाला हमने, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और जो रेसिप्रोकल बच्चों सिनोनिम्स होते हैं, क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक ही चीज हो गए। अब हमको क्या करना, प्रोडक्ट करनी, मल्टीप्लाई करनी है ना, मल्टीप्लाई किसकी किसकी बच्चों, 3 अपॉन शायद कितना है 25 है और रेसिप्रोकल 15 अपॉन इससे करनी है। चलिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, आंसर कितना आएगा, ओहो हो हो बच्चो 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन 5। दोबारा ध्यान दीजिए, मैं दोबारा समझा दूँ एक बार, 3 3 जा 9 ठीक, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन 5 आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेंगे सब बच्चे, एक बार पढ़ देखते हैं, बी पार्ट चलिए
अब की है आपका एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है बच्चों, एडिटिव मल्टीप्लाई 3/7 यानी एडिटिव इनवर्स। माइनस का 21/5, माइनस का 21/5। आइए जरा तो कितना होगा बच्चों, मैंने आपको पहले बताया अगर माइनस है तो कैसा हो जाएगा, वो आपका प्लस में हो जाएगा। कितना होगा 21/5, कितना हो जाएगा 5। हम बात करते हैं बच्चों एडिटिव इनवर्स किसका, माइनस का 21/5 का। कितना होगा 21/5 हो गया। आपको मल्टीप्लाई क्या करनी है इसमें देख लेंगे जरा, मल्टीप्लाई में आपका 3/7 इंटू 21/5, तो 7 3 यहाँ आप कट करेंगे, 3 3 जा कितना होगा 9/ क्या होगा ना आपका ये 5। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बच्चों चलेंगे, जरा देख लेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ए पार्ट की बात रीअरेंज करके आपको करने बच्चों क्वेश्चन, जो आपको इजी पड़े उस तरीके से। देखिए 1/7 इंटू 14/15 को एक साथ हम लेंगे बच्चों, अभी बताएंगे क्यों लिया है ऐसे। माइनस का 2/9 इंटू 18/ कितना आपका 12। देखिए 7 2 जा कितना हो गया आपका 14 और 9 2 जा कितना आपका 18 और 2 6 जा कितना आपका 12 बच्चों। कितना आएगा बच्चों यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, नीचे कितना आपका 15 इंटू माइनस का 2 ऊपर हो गया, नीचे कितना आपका 6 है, तो 2 3 जा कितना आपका 6, तो माइनस का 2 1 जा 2 और 15 3 जा कितना बच्चों 45 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी का बी पार्ट चलिए 9/11 के साथ हम लेंगे बच्चों 55/18 और ये आपका है 35/6 इंटू 12/5 5 7 जा 35 और आपका 6 2 जा 12 9 2 जा 18 11 5 जा आपका 50। ठीक है आगे देखिए बच्चों कितना आएगा, माइनस का 5/2 इंटू 7 इंटू 2, तो कितना आएगा आपका 2 से 2 यहाँ आप कैंसिल कर दीजिए और माइनस 5 इंटू 7 कितना आपका माइनस का 35। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट, और सी पार्ट बच्चों आपके लिए रहेगा होमवर्क, सी पार्ट आपको खुद ट्राई करना है इसका सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे बच्चों जरा क्या, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8 बच्चों, 5/7 इंटू माइनस का 2/3 प्लस 5/7 इंटू माइनस 1/9। अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करना है बच्चों, जो कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या कॉमन आया बच्चों, 5/7 हमने बाहर लिया, अंदर कितना आया बच्चों माइनस का 2/3 और ये आपका माइनस का कितना बच्चों 1/9। दोनों में एलसीएम की बात करूं बच्चों, सबको पता 5/7 इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 9 आ जाएगा, तो माइनस का 2 3 3 जा कितना 9 माइनस का 1 9 1 जा 9। सॉल्व करेंगे 5/7 3 2 जा माइनस 6 और माइनस का 1/9 आगे सॉल्व कर लीजिए इसको। आइए 5/7 इंटू 6 और 1 माइनस का 7/9 7 से 7 कैंसिल बच्चों, आंसर कितना है आपका माइनस का 5/9। एक बार आंसर सीट से मैच कर लेंगे आंसर। इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों, ये था आपका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बी पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, 2/7 आपका कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1/5 माइनस, हमने बच्चों ऐसे ही रहना तो माइनस इंटू माइनस तो आप यहाँ कर लेंगे क्या प्लस हो जाएगा और 4/ कितना आ जाएगा आपका 15। तो 2/7 सेम एज बिल्कुल 15 आपका बच्चों एलसीएम, तो 1 इंटू 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15 बच्चों। चलिए आगे सॉल्व कर लेंगे, 2/7 और 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4/15 बच्चों, ऐड करिए जरा 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 2/7 4 3 7/15 7 से 7 कैंसिल बच्चों, 2/ कितना आ गया आपका 15 क्या हो जाएगा आंसर। इसका सी पार्ट और डी पार्ट बच्चों आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क है, सी पार्ट डी पार्ट कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 9 की तरफ देखते हैं बच्चों, पहले ये एलएचएस हो गई, ये आपकी क्या हो गई आरएचएस हो गई। आपको अगर याद हो मैंने आपको शुरुआत में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों बताई थी, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको ये बताया कि ए प्लस बी आप हिस्सा किसके इक्वल होगा बच्चों, बी ए प्लस ए के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे बच्चों, एलएचएस क्या गिवन आपको यहां देखेंगे ए प्लस बी है, तो क्या लिखेंगे पुट ए इक्वल्स टू 2/3 एंड बी इक्वल्स टू बच्चों कितना है माइनस का 1/3। आइए वैल्यू रखते हैं बच्चों,
एक ही जगह रखनी है 2/3 और प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 1/3, तो 2 - 1/3 में कितना 3 बच्चों, आंसर कितना आया इधर से 1/3। RHS सॉल्व करेंगे बच्चों इधर से हम, कितना है b प्लस a, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू है माइनस का 1/3 बच्चों, और a की वैल्यू कितनी बच्चों, प्लस का 2/3। अगर मैं एलसीएम की बच्चों बात करूं तो एलसीएम सेम है, माइनस 1 प्लस 2 और 2 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 1/3। आप देख रहे होंगे LHS और RHS दोनों सेम, तो LHS इक्वल्स टू बच्चों RHS और हेंस वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड। इसी का बी पार्ट सॉल्व कर देता हूं। LHS क्या गिवन बच्चों, a प्लस बी, पुट a इक्वल्स टू 7/5 एंड b इक्वल टू बच्चों 6/15। सॉल्व करिए चलिए, 7/5 प्लस 6/15। मैं इसको थोड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो 7/5 प्लस 2/5। एलसीएम कितना आ गया आपको सबको पता है 5 है, और 7 + 2 सेम है, 7/2 कितना होगा 9/5। RHS सॉल्व कर देंगे इसकी बच्चों, कितना है b प्लस a, बिल्कुल सेम एज करिए, b की वैल्यू कितनी बच्चों 6/15 और a की कितनी 7/5, 2 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो 2/5 बच्चों और 7/ कितना आपका ये 5 हो जाएगा। एलसीएम दोनों का भी सेम आएगा, तो 2 + 7 लिख देंगे अपॉन में 5, 7 × 2 कितना 9/5। देख रहे होंगे दोनों LHS RHS दोनों इक्वल हैं, तो LHS इक्वल टू RHS और हैंस वेरीफाइड बच्चों। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे आप इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों हम, आइए ए पार्ट फिलिप्स का, द रेशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो आपको पहले ही बताया जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। आइए बी पार्ट में देखिए बच्चों, चेक कर लूं एक बार, चलिए बी पार्ट, द रेशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। तो आपको पहले भी बच्चों बताया हुआ कि 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होगा और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हमेशा माइनस का 1 ही होगा। सी पार्ट में आइए बच्चों, सी में क्या कह रहे हैं, द रेशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। तो मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि 0 इज नॉट निगेटिव नेदर पॉजिटिव, तो 0 नंबर है बच्चों नॉट निगेटिव नेदर पॉजिटिव। तो डी पार्ट में आइए बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। देखिए टू रेशनल नंबर की जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी बच्चों, एक रेशनल नंबर होगी। तो ध्यान रखना क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर क्या हो गया आपका, आंसर आ जाएगा इसमें। ई पार्ट पे आइए बच्चों, ई में क्या कह रहा है, फोर रेशनल नंबर ए अपॉन बी इनटू इक्वल्स टू जीरो। भाई इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो आपको पता है इफ वी मल्टीप्लाई जीरो इन एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज जीरो। एफ पे आइए बच्चों, यानी जीरो में जब आप कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर की तो हमेशा क्या गेट होगा, हमें जीरो आएगा बच्चों। इसी का एफ पार्ट आइए बच्चों, ए अपॉन बी इनटू इक्वल्स टू वन। भाई ए अपॉन बी में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा वन आ जाए, तो मैं इसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। मीन्स ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल होकर के कितना आएगा बच्चों, वन आएगा। F के बाद G पार्ट पे आइए इसके बच्चों, चलिए G देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर। तो आपको मैंने बताया कि आपसे पूछा गया एडिटिव इनवर्स, पूछा गया A अपॉन B का, जब कभी आपसे पूछा जाए एडिटिव इनवर्स तो A अपॉन B का हमेशा कितना होगा बच्चों, माइनस का A अपॉन B होगा। और कभी माइनस वाले नंबर का पूछा जाए तो हमेशा कैसा होगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, वो आपका प्लस हो जाएगा। H वाले पे आइए बच्चों, H वाला है बच्चों, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, मैंने आपको दो चीजें बच्चों बताई थी और पूछा किसका गया, A अपॉन B का पूछा गया। A अपॉन B का रेसिप्रोकल कितना होगा, हमेशा किसके होगा बच्चों, B अपॉन A होगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, B अपॉन A क्या हो गया आपका आंसर। तो ये बात करी बच्चों हमने एक्सरसाइज आपकी 1.1, एक न्यू बुक अपलोड कर रहा हूँ बच्चों मैं, मैथ्स टूडे ओरियन वालों की बुक है, बहुत बेस्ट बुक है बच्चों। तो ये आया आपकी एक्सरसाइज 1.1, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे 1.2। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।